कंसीडर दिस गेट 2007 क्वेश्चन, ओके। क्या है, दो स्केड्यूल S1 और S2 गिवन है। स्केड्यूल ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसका मतलब है R1X का मतलब ट्रांजैक्शन T1 की रीड एक्स इंस्ट्रक्शन, ओके। जैसे यहां पर R2Y है, इसका मतलब ट्रांजैक्शन T2 की रीड Y, ओके। W2Y मतलब राइट, ओके। W2 का मतलब ट्रांजैक्शन नंबर और WY मींस राइट ऑफ Y। तो मैंने क्या किया, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह से स्केड्यूल गिवन हो, तो आप क्या करो, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लो, हमेशा ज्यादा क्लैरिटी रहेगी देखने में, ओके। तो जैसे यहां पर मैक्सिमम नंबर क्या था, 2 था, तो इसका मतलब दो ट्रांजैक्शन यूज हुई। तो मैंने S1 के लिए दो ट्रांजैक्शन बनाई, R1X मतलब T1 में RX, R1Y मतलब T1 में RY, उसके बाद R2X मतलब T2 में RX, एंड सो ऑन, ओके। नाउ जो ऑप्शंस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजिबिलिटी पर बेस्ड हैं, और यहां देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ओके। केवल एक ही ऑप्शन कोई करेक्ट है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस स्केड्यूल S1 और S2 के रिस्पेक्टिव क्या करूं कि प्रेसिडेंस ग्राफ बना दूं और इसके बेसिस पर आंसर दे देंगे। तो देखना, दो ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब T1 और ये T2, ओके। अब यहां से देखूंगा RX के लिए कोई कॉन्फ्लिक्टिंग है, कोई कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ओके। RY के लिए दूसरी साइड में T2 में कहीं WY है, यस है। तो अभी आप हैं कहां पर, T1 में हैं, और कहां जा रहे हैं, T2 में, ओके। तो एज ऐसे होगी और यहां पर Y लिखेंगे, ओके। इसके बाद RX पढ़ेंगे, क्या इधर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन मिल रही है, RX और ये WX, ओके। यहां कॉन्जिकेटिव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, RX है कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन टाइम में, ऐसे इसके नीचे टाइम में दूसरे T2 को छोड़ करके कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्टिंग इसका मिलना चाहिए, RX WX। तो कहां है आप, T2 में हैं और कहां जा रहे हैं, T1 में, T2 में हैं और कहां जा रहे हैं, T1 में, और X डेटा आइटम पढ़ के। अब देखो, तो इसका प्रेसिडेंस ग्राफ ये बन गया, ओके। अब मैंने किसका मीन्स देख लिया, ये हमने देख लिया RX का, ओके। RX का देखने के बाद RY का देखो, लेकिन देखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि टाइम में T1 में कहीं पर भी WY नहीं है, या इस WY से T1 में RY होता या WY होता, दोनों केस में कॉन्फ्लिक्ट होता, लेकिन वो भी नहीं है। तो आगे प्रेसिडेंस ग्राफ फुल एंड फाइनल जो S1 के लिए है वो यही है, ओके। अब आपको चेक करना है कि क्या इसमें साइकिल है, साइकिल देखने के लिए ये जो आपने यहां पर डेटा आइटम लिखा है इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। यहां देखो T1 से T2 और T2 से T1, ओके। साइकिल क्या है, T1 से T2, T2 से T1, सो S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल। मैं इसको CSS लिखूंगा, नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल स्केड्यूल, ओके। अब S2 के लिए भी प्रेसिडेंस ग्राफ बना लेते हैं, दो ही ट्रांजैक्शन है T1 और T2, ओके। दो ही ट्रांजैक्शन है T1 T2, तो मैं क्या करता हूं, यहां से देखो RX के लिए WX है इस साइड में, कहीं नहीं है, तो इसमें एज नहीं बनेगी। इस RX को लिखते हैं, ये WX है, RX और ये WX है, एंड देयरफॉर आप हैं कहां, T2 में हैं और T1 की तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग मिल रही है, T2 में हैं और T1 की तरफ मिल रही है, तो एज ये होगी, ओके। इसके अलावा और कुछ नहीं है। RY को देखेंगे, क्या इसमें WY है, नहीं, तो कोई कॉन्फ्लिक्टिंग इंस्ट्रक्शन नहीं है। WY को देखेंगे, RY T2 में है और T1 की तरफ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, Y, तो एज तो सेम रहेगी, मैंने कॉमा करके डेटा आइटम लिख दिया WY, और इसके अलावा और कुछ है नहीं। इसके बाद इसको RY इसके रिस्पेक्टिव अब कोई कॉन्फ्लिक्टिंग मिल नहीं सकता, क्योंकि टाइम में T2 साइड में कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं, तो चेक करने की नीड नहीं है। सो फुल एंड फाइनल द प्रेसिडेंस ग्राफ फॉर दिस स्केड्यूल इज दिस वन, ओके। सिंस दिस प्रेसिडेंस ग्राफ डज नॉट हैव साइकिल, so S2 is CSS, मतलब conflict serializable schedule।
S2 तो सीरियल कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है लेकिन S1 कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल नहीं है। बोथ S1 S2 कॉन्फ्लिक्ट, ये तो गलत है। S1 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बट S2 इज नॉट, S1 नहीं है कॉन्फ्लिक्ट। S1 इज नॉट कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, हाँ नॉट, बट S2 इज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल, यस। एंड सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी ओनली। ओके एंड दैट्स